एक युवक ने विवाह के 2 साल बाद परदेश जाकर व्यापार करने की इच्छा अपने पिता से कही। पिता ने स्वीकृति दे दी तो वह अपनी गर्भवती पत्नी को माँ बाप के जिम्मे छोड़कर व्यापार करने चला गया। परदेश में मेहनत से बहुत धन कमाया और वह धनी सेठ बन गया। 17 वर्ष धन कमाने में बीत गए तो संतुष्टि हुई और वापस घर लौटने की इच्छा हुई। पत्नी को पत्र लिखकर आने की सूचना दी और जहाज में बैठ गया। उसे जहाज में एक व्यक्ति मिला जो दुखी मन से बैठा था। सेठ ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने बताया कि इस देश में ज्ञान की कोई कद्र नहीं। मैं यहाँ ज्ञान के सूत्र बेचने आया था पर कोई लेने को तैयार नहीं। सेठ ने सोचा, इस देश में मैंने बहुत धन कमाया है और यह मेरी कर्म भूमि है, इसका मान रखना चाहिए। उसने ज्ञान के सूत्र खरीदने की इच्छा जताई। उस व्यक्ति ने कहा, मेरे हर ज्ञान सूत्र की कीमत 500 स्वर्ण मुद्रा है। सेठ को सौदा तो महंगा लगा था, लेकिन कर्म भूमि का मान रखने के लिए 500 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। व्यक्ति ने ज्ञान का पहला सूत्र दिया, कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुककर सोच लेना। सेठ ने सूत्र अपनी किताब में लिख दिया। कई दिनों की यात्रा के बाद रात्रि के समय सेठ अपने नगर को पहुंचा। उसने सोचा, इतने सालों बाद घर लौटा हूँ, क्यों ना छुपके से बिना खबर दिए सीधे पत्नी के पास पहुंचकर उसे आश्चर्य उपहार दूं। घर में द्वारपालों को मौन रहने का इशारा करके सीधे अपनी पत्नी के कक्ष में गया तो वहां का नजारा देखकर उसके पांवों के नीचे की जमीन खिसक गई। पलंग पर उसकी पत्नी के पास एक युवक सोया हुआ था। अत्यंत क्रोध में सोचने लगा कि मैं परदेश में भी इसकी चिंता करता रहा और ये अन्य पुरुष के साथ है, दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्रोध में तलवार निकाल ली। वार करने जा ही रहा था कि उतरे में से 500 स्वर्ण मुद्राओं से प्राप्त ज्ञान सूत्र याद आया कि कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच ले। सोचने के लिए रुका, तलवार पीछे खींची तो एक बर्तन से टकरा गई। बर्तन गिरा तो पत्नी की नींद खुल गई। जैसे ही उसकी नजर अपने पति पर पड़ी वह खुश हो गई और बोली, आपके बिना जीवन सूना सूना था। इंतजार में इतने वर्ष कैसे निकाले ये मैं ही जानती हूँ। सेठ तो पलंग पर सोए पुरुष को देखकर कुपित था। पत्नी ने युवक को उठाने के लिए कहा, बेटा जाग, तेरा पिता आए हैं। युवक उठकर जैसे ही पिता को प्रणाम करने झुका, माथे की पगड़ी गिर गई, उसके लंबे बाल बिखर गए। सेठ की पत्नी ने कहा, स्वामी यह आपकी बेटी है, पिता के बिना इसके मान को कोई आंच ना आए, इसलिए मैंने इसे बचपन से ही पुत्र के समान ही पालन पोषण और संस्कार दिए हैं। यह सुनकर सेठ की आंखों में अश्रुधारा बह निकली। पत्नी और बेटी को गले लगाकर सोचने लगा कि यदि आज मैंने उस ज्ञान सूत्र को नहीं अपनाया होता तो जल्दबाजी में मैं कितना अनर्थ हो जाता, मेरे ही हाथों मेरा निर्दोष परिवार खत्म हो जाता। ज्ञान का सूत्र उस दिन तो महंगा लगा, लेकिन ऐसे सूत्र के लिए 500 स्वर्ण मुद्राएं बहुत कम है। ज्ञान तो अनमोल है। इस कहानी का सार यह है कि जीवन के 2 मिनट जो दुखों से बचाकर सुख की बरसात कर सकते हैं वे है क्रोध के 2 मिनट। इस कहानी को शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी व्यक्ति को उसके क्रोध पर अंकुश रहने के लिए प्रेरित कर सकता है।